ही सोचो तो उसमें ही बढ़िया है, क्योंकि खच्चर में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। हेलीकॉप्टर की प्राइस है क्या आप लोग केदारनाथ जाने की सोच रहे हो या फिर जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ केदारनाथ के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हम जाके आए थे अभी केदारनाथ को, वहाँ का क्या सीन है। हो सकता है बाकी लोगों को ये वीडियो थोड़ा बोरिंग करे, क्योंकि इसमें केदारनाथ के बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, मतलब क्या क्या ले जाना चाहिए आपको और क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था वगैरह है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और अगर मैं हमारी कहानी बताने लग गया हम कैसे कैसे गए तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ जाने की सोच रहे हो तो ना ही सोचो तो उसमें ही बढ़िया है, क्योंकि अभी वहाँ पे आप सोचोगे नहीं, इतनी आपको दिक्कत वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप थोड़े ऑफ सीज़न में जाइए, लेकिन वहाँ पे यह भी दिक्कत होती है कि ऑफ सीज़न में वहाँ पे लैंडस्लाइड और बारिश वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन आप थोड़े एक दो मंथ बाद में जाओगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। 6-7 घंटे आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और 2 या 3 सेकेंड के आपको दर्शन देखने को मिलेंगे। हमारे दर्शन तो बड़ी मुश्किल से ही हुए थे। केदारनाथ तक कैसे जाए, तो केदारनाथ तक नहीं, आपको गौरीकुंड तक जाना होगा। अगर आप पर्सनल व्हीकल है, आप पर्सनल गाड़ी लेके जाते हो, तो आपको सबको सोनप्रयाग तक उतार देंगे, जो कि गौरीकुंड से 4-5 किलोमीटर है। हरिद्वार से गौरीकुंड आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 8-9 घंटे लग सकते हैं आपको या 7-9 घंटे लग सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि हम एक नाइट होल्ड कर करके गए थे। और हम लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ खाने पीने के लिए क्या लेके जाएं, ट्रैकिंग के समय भूख लगेगी तो क्या लेके जाएं, तो उस टाइम आप कुछ ना ले जाओ, उसमें आपका फ़ायदा है। तो वहाँ पे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा दुकान वगैरह आती है जहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है, कुरकुरे चिप्स वगैरह, और प्राइस है जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ पे, वो तो होनी है, क्योंकि वहाँ पे खच्चर पे सामान वगैरह लेके आते हैं तो वो खच्चर का चार्ज है जो एक्स्ट्रा होता है। मतलब आप 5 रुपये का बिस्किट वहाँ पे आपको 10 रुपये में मिलेगा, और मैगी की प्राइस मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे 40-50 रुपये में मिल जाती है। और वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है वो है आलू का पराठा, जो 50 रुपये में मिलता है और टेस्टी भी होता है, उसकी साइज़ भी ठीक ठाक है, प्राइस भी ठीक ठाक है, तो इसलिए तो आलू का पराठा बेस्ट होगा। और वहाँ पे अगर रास्ते में चाय आती है तो 30-40-50। बात करते हैं अपन वहाँ जाने के लिए क्या क्या सामान इम्पोर्टेंट हो सकता है। जितना आप सामान कम लेके जाओगे उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका प्लान 3 या 4 दिन रुकने का है वहाँ पे केदारनाथ में, तो आप एक ड्रेस ही मुश्किल से ले जाओ, या वो ही ना ले जाओ, लोअर टी शर्ट में जाओ, बस उसी में निकालो 3 से 4 दिन। या आप लोग एक ड्रेस ले जा सकते हो साथ में, एक लोअर एक्स्ट्रा ले जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है ट्रैकिंग के टाइम आपकी ड्रेस गंदी हो जाए, तो आप कपड़े बहुत ही कम ले जाओ, उसमें फ़ायदा है। गर्म कपड़े सबसे ज़्यादा लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। हम गए थे तो ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले, रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले वहाँ पर स्नोफॉल भी हुआ था शायद। साथ में क्या क्या लेके जाना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी होती है, उसके लिए आप सबसे बढ़िया चीज़ लेके जाओ, एक तो डेयरी मिल्क, मतलब डेयरी मिल्क तो आप स्टॉक में रख ही लेना, ट्रैकिंग करने के टाइम आप एक एक दो दो बाइट लेते जाओ डेयरी मिल्क के, क्योंकि उसमें हेटिन और एनर्जी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है डेयरी मिल्क में। ट्रैकिंग से पहले ही आप अपनी पॉकेट में ड्राई फ्रूट्स डाल ही लो, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और एक सबसे बढ़िया देसी जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, वो जुगाड़ ये है कि कपूर और शायद लौंग और अजवाइन, ये 3 चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर उसको एक कपड़े के अंदर डालते हैं और अपने कोई बैग या अपने कोई बॉक्स वगैरह लेके जाते हो उसमें डाल देना चाहिए। ट्रैकिंग के टाइम अपनी पॉकेट में डाल लेना चाहिए, जब ट्रैकिंग करते हो आपको थोड़ी सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तब आप उसको सूंघ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी होती है। हमने भी ये चीज़ ली थी, रेनकोट तो लेना ही है, क्योंकि वहाँ पर हर 2 मिनट में बारिश आती है जाती है, और 12-12 बजे तो आप वहाँ पर बारिश तो मान ही लो फिक्स होनी ही है, 12 बजे के बाद तो बारिश होगी ही। तो अब बात करते हैं अपन के वहाँ चढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। आप पैदल नहीं चढ़ सकते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, खच्चर की जो पालकी होती है, हेलीकॉप्टर, ये सब चीज़ मैं आपको इस टॉपिक में कवर करूँगा। तो आप वहाँ पे खच्चर ले सकते हो, लेकिन खच्चर में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बारिश आती है तो खच्चर स्लिप हो सकता है। 2300 से 2400 रुपये में आपको प्राइस मिलेगी खच्चर की, जो ये इस टाइप में पालकी होती है जो आप लोगों ने केदारनाथ मूवी में देखा होगा, कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन 4 या 5 हज़ार आपको मिलेगी।
6,000 या 7,000 आपको मिलेगी, इनके बीच में मिलेगी आपको जो पालकी की प्राइस। और अब बात आती है हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर की प्राइस है 4,700 के आसपास आपको मिलेगी, 4,500-4,700 समथिंग कुछ आपको प्राइस मिलेगी हेलीकॉप्टर में, जो कि आना और जाना दोनों टिकट है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा। अगर आप खच्चर में जाओगे तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, और आप पालकी में जाओगे तो आपको आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 6 से 7 घंटे। और अगर आप ट्रैकिंग करोगे पैदल, वो सबसे बेस्ट है, 6 से 7 घंटे लगेंगे उसमें, 6 घंटे या 5 घंटे। और हेलीकॉप्टर में जाओगे तो उसमें आपको लगेंगे 8 से 10 मिनट। वापस आते टाइम मैं हेलीकॉप्टर में आया था तो 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे हेलीकॉप्टर में, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा। सबसे बेस्ट वही है हेलीकॉप्टर, थोड़े प्राइस लगेंगे लेकिन आराम से जाओगे। और हेलीकॉप्टर की टिकट होती है वो ऑनलाइन होती है, उनकी साइट्स होती है अलग अलग। जैसे हेलीकॉप्टर अधिकतर फाटा से होता है, फाटा से लेके केदारनाथ तक होता है, जो फाटा गौरीकुंड से जस्ट पहले आता है, तो ये चीज़ है ऊपर जाने आने का साधन। अब बात करते हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ स्टे करने के लिए क्या सुविधा है, होटल, टेंट या कैंप कौन सा अच्छा रहेगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को वहाँ पे जो होगी होटल की या कैंप की, क्योंकि वहाँ पे अभी सीज़न है तो वहाँ पे सब होटल्स वगैरह सारे के सारे बुक होते हैं। तो आप सबसे पहले जाने से पहले ही आप ऑनलाइन करवा दीजिएगा, कैंप या होटल या जो भी होती है वो ऑनलाइन करवा दोगे वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ ऊपर जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अगर आप ऊपर पहुँच जाओ तो आप टाइम पर ही दर्शन की लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर लाइन 3 या 4 किलोमीटर होगी, हम गए थे तब 2 किलोमीटर की थी, तो अब 3 या 4 किलोमीटर की लाइन होगी दर्शन के लिए। अगर आप टाइम पर ही लाइन में चले जाएंगे दर्शन के लिए तो वो बेस्ट होगा, और अगर आपके दर्शन हो जाए तो टाइम पर ही आप नीचे उतरना स्टार्ट कर दीजिए, या जो आपकी सुविधा होती है वो कर लीजिए आप नीचे उतरने के लिए, क्योंकि वहाँ ऊपर स्टे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगले दिन आपके दर्शन हो या ना हो, एक बार हो जाए वो भी बहुत ही बड़ी बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैंने कोशिश की कि जो जो मेन टॉपिक है वो मैंने कवर कर लिया है, अगर और कुछ भूल गया तो मैं एंड में क्लिप ऐड कर लूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो बस वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।